इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और बेबाक खरी खरी कहने सुनने वाले आपके इस अपने कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आपका हमजुबान संजीव चौहान। चलिए आज दो टूक बात करते हैं एक बवाली पाकिस्तानी पत्रकार की बेबाकी का जिसने अपना मुंह क्या खोला मानो जमाने में जलजला सा आ गया हो। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी हुक्मरान वहां की मिलिट्री और खुफिया एजेंसी समझिए सारे बाजार नंगे हो चुके हैं। बेबाक बयानी चूंकि पाकिस्तान के ही एक कमअक्ल खबरनवीस ने की है लिहाजा ऐसे में सरकारी पाकिस्तानी मशीनरी अब अपनी खाल बचाने के लिए ये भी नहीं कह सकती है कि इस मुंहफट पाकिस्तानी पत्रकार को इस कदर का बेहया हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तानी एजेंसियों ने बना डाला जो उसने जमाने में अपने ही देश की खुफिया एजेंसियों मिलिट्री और अपने हुक्मरानों के मुंह पर कालिख पोट डाली है। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पत्रकार पाकिस्तानी था पाकिस्तानी है और आइंदा भी पाकिस्तानी ही रहेगा भी। अब जब अपने ही पत्रकार की बेबाक मुंहजुबानी ने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है तो भला इसमें अब भारत या उसकी एजेंसियां सोचिए क्या कर सकती हैं। सोचना तो अब पाकिस्तान को है कि वो अपने ही पत्रकार की बेबाक बयानी के बाद हुई अपनी छींच हलेदर के जलजले को कैसे जमाने के सामने काबू करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत वहां की खुफिया एजेंसियों और मिलिट्री की नींद हराम कर डालने वाले इस पाकिस्तानी पत्रकार का नाम है नुसरत मिर्जा जो कि खुद को पाकिस्तानी अखबारों का कथित स्तंभकार बताता है। सच्चाई क्या है ये पाकिस्तान और उसके कमअक्ल पत्रकार नुसरत मिर्जा से बेहतर जमाने में भला और कोई कैसे और क्यों जान सकता है। इस वक्त पॉडकास्ट सुन रहे मेरे हर दिल अजीज कुछ श्रोता संभव है कि सोच रहे हो कि आखिर मैं भी एक पत्रकार हूँ फिर पत्रकार बिरादरी के ही किसी दूसरे शख्स यानी पत्रकार को मैं कमअक्ल क्यों फरमा रहा हूँ। दरअसल मुझे नुसरत मिर्जा बेग की बेबाक बयानी तो बेहतर लगी और ये भी अच्छा लगा कि उसने अपने ही देश यानी पाकिस्तानी मिलिट्री वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI को सरे बाजार नंगा कर डाला। उसे कमअक्ल बस इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर वो कैसा और काहे का पत्रकार जिसने अपनी हुकूमत अपनी खुफिया एजेंसी और अपने देश की मिलिट्री के ऊपर पड़े कफन को ही खींचकर सरेआम बेच डालने की जरूरत कर डाली। अगर हकीकत में ये पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा अपने देश का वफादार होता तो शायद जमाने में किसी भी कीमत पर अपने देश की इस कदर बखिया उधेड़वा कर उसे खुलेआम चौराहे पर नंगा करने की गुस्ताखी ना करता वो भी तकरीबन 15 साल के अंतराल और इंतजार के बाद। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस पाकिस्तानी पत्रकार की जुबान पर सन 2007 से लेकर अब तक यानी 15 साल तक ताले क्यों लगे रहे। अब तक उसे पाकिस्तान में मुंह खोलने पर किस बात का किस तरह का और किससे डर था जो उसने अब अपनी जुबान खोलकर जमाने में अपने ही देश की हुकूमत इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री को जमाने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी हुकूमत हुक्मरान वहां की मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों को चलिए भूल भी जाएं तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने जो कुछ करा धरा है क्या उसका खामियाजा आइंदा उसके हमपेशा पाकिस्तानी पत्रकार जमात को नहीं भुगतना पड़ेगा। अब कोई पाकिस्तानी पत्रकार किस मुंह से हिंदुस्तान की सरहद में पांव रखने की हिमाकत कर पाएगा। क्या आइंदा जब जब कोई पाकिस्तानी पत्रकार हिंदुस्तान आना चाहेगा तो उसे नुसरत मिर्जा की तरह ही हिंदुस्तान की आवाम और उसकी एजेंसियां पाकिस्तानी जासूस की नज़र से देखने से क्या चूकेंगी। कदापि नहीं। दरअसल अगर ये कहूं कि बेहया पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने सीने में दफन कथित राजों को उजागर करके न केवल पाकिस्तान के मुंह पर कालिख पोत दी है वरन तमाम पत्रकार बिरादरी को भी शक के दायरे में ला दिया है यह कहकर कि वो यानी पाकिस्तानी पत्रकार जब सन 2007 और 2010 में भारत की यात्रा पर आया था तो वो अपने देश यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारत की तमाम खुफिया जानकारियां ले जाकर देता रहा है। सवाल यह भी है कि नुसरत मिर्जा सा पाकिस्तानी पत्रकार और बड़बोला इंसान अपने देश का जो सगा नहीं हुआ वो खुद का या फिर इंसानी जमात का भी आखिर कैसे भला बन सकता है। ऐसे में अगर ये कहूँ कि नुसरत मिर्जा के बयान से भले ही पाकिस्तान में भूचाल आ गया हो मगर हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी मिलिट्री और खुफिया एजेंसियाँ इस बेसिरपैर की बड़बोली बयानबाजी से और भी ज़्यादा सतर्क हो गई हैं कि अब आइंदा अगर कोई पाकिस्तानी खबरनवीस किसी भी बैनर के ऊपर बैठकर भारतीय सीमा के करीब भी आसमान में उड़ता हुआ भी दिखाई दे तो एहतियातन उसे भारत जमीन पर लाकर उसकी औकात बताकर पाकिस्तान भेज दे ताकि आइंदा कोई और पाकिस्तानी पत्रकार इस नामुराद पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा किसी हिमाकत करने की जरूरत ही ना कर सके। अपने देश का जिस तरह इस पाकिस्तानी पत्रकार ने जमाने में जुलूस निकाला है वो तो सबने देख सुन लिया है। दरअसल एक दूसरी नज़र से भी अगर देखा जाए तो नुसरत मिर्जा ने बहती गंगा में हाथ धोने की गरज से लगे हाथ भारत के पूर्व एक उपराष्ट्रपति को भी लपेटने की कोशिश की
नुसरत मिर्जा के बयान से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तल्ख हो सके, भारत में एक नई बहस छिड़ सके, इसलिए इसका मतलब पाकिस्तानी पत्रकार ने भारत के कई मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ की अपनी तस्वीरें भी वायरल करवाई हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक में वो 27 अक्टूबर सन 2009 को दिल्ली के एक होटल में आयोजित इंटरनेशनल सेमिनार की भीड़ में भी दिखाई दे रहा है, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना सा इधर उधर भटकता हुआ या कहिए इधर उधर मारा मारा सा फिरता नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में ही आयोजित एक धार्मिक स्थल में भी यह पाकिस्तानी पत्रकार अपनी मौजूदगी साबित करता है। इसी कार्यक्रम में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारत के एक तत्कालीन उपराष्ट्रपति के साथ भी दिखाई पड़ता है, जबकि यूपी में स्थित देश की एक मशहूर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में भी बेसिर पैर की भाषणबाजी बयान करता हुआ यह पाकिस्तानी पत्रकार सन 2007 और सन 2010 में दिखाई दिया था। सवाल ये नहीं है कि इस बेतुके पत्रकार ने क्या कहा है, सवाल ये है कि जिन भारतीयों ने इसे विश्वास करके अपने देश में न्योता दिया उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने नुसरत मिर्जा के उस बयानबाजी को अब 10-15 साल बाद अपने कानों से सुना है, जिसमें उसने कहा है कि वो भारत में अपनी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने जाता था। यह हवाबाजी गांठने वाला नुसरत मिर्जा दावा ठोंक रहा है कि वो 5 बार भारत की यात्रा पर गया था और उसने दिल्ली बेंगलुरु चेन्नई पटना कोलकाता में भी सुरागसी यानी कथित रूप से ही सही मगर जासूसी की। दावे के मुताबिक खुद को पाकिस्तान का पत्रकार बताने वाला ये संदिग्ध शख्स सन 2011 में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के एक पूर्व अध्यक्ष से भी मिल चुका है। अब यही बड़बोला शख्स दुनिया में सनसनी फैलाने के लिए अपनी ही यानी पाकिस्तानी सेना को ज्ञान बांटता हुआ उसके सिर ठीकरा फोड़ रहा है कि पाकिस्तानी सेना का हर नया आर्मी चीफ नए कागज पर अपनी कलम से नया अध्याय अपने मुताबिक लिखता है। बेशर्मी की हद तो यह है कि अपने ही देश और उसके मिलिट्री व खुफिया एजेंसी के सीने में खंजर घोपने के आरोपी इस कथित पाकिस्तानी पत्रकार कॉलमिस्ट नुसरत मिर्जा ने यह सब लंबी लंबी सनसनीखेज बातें एक वर्चुअल इंटरव्यू के दौरान हाकी हैं। और तो और इसे क्या इसकी अकलमंदी कहेंगे या काबिलियत कि इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी के बदले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से मोटी रकम बटोरने का खुलासा भी ये कमकल खुद ही हंसकर करता देखा गया है। मतलब साफ है कि ऐसे पत्रकार को पत्रकार और जासूस ना कहकर अगर उससे भी परे कोई नाम दिया जा सके जो कि देने के लिए TV9 डिजिटल के श्रोता स्वतंत्र हैं वे दे सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बोलूँगा तो जमाना कहेगा बहुत बोलता है। आज के पॉडकास्ट की दो टूक खरी खरी में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को आज दीजिए इजाजत, मेरी लौट कराने का कल तक कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब, पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की भी तो बेबाक बात लिखते जाइए।